हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरियंत वर्कबुक क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर वन नोइंग आवर नंबर्स का वर्कशीट थ्री लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं तो इससे पहले मैंने आपको वर्कशीट वन और वर्कशीट टू बता दिया था तो आज उससे आगे बताऊंगी वर्कशीट थ्री लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स वन थाउजेंड मीटर इज इक्वल टू वन किलोमीटर ये सारा आपको याद करना है ठीक है टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर वन हंड्रेड 1 डेकामीटर वन डेसीमीटर वन हंड्रेड इज इक्वल टू वन डेकामीटर 1000 milliliter is equal to 1 liter. 10 liter is equal to 1 decaliter. 1000 milligram is equal to 1 gram. 10 decigram is equal to 1 gram. 10 gram is equal to 1 decagram. 1 kiloliter is equal to 1000 liter. 1 one क्विंटल इज इक्वल टू वन हंड्रेड किलोग्राम ठीक है वन टन वन टन इज इक्वल टू वन थाउजेंड किलोग्राम देर आर फाइव थाउजेंड मीटर्स इन फाइव किलोमीटर देर आर ट्वेल्व थाउजेंड लीटर्स इन ट्वेल्व किलोमीटर किलो लीटर इन द गिवेंट टेबल ए बी सी डी एंड ई आर डिफरेंट सिटीज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैन आर गिवेन बिलो तो ये सारा जो है ना डिफरेंट सिटीज का यहाँ दिया हुआ है टेबल दिया हुआ है और सारे का यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सीटी सी टू सीटी ई एंड कन्वर्ट एट इन टू किलोग्राम यहाँ पर डिफरेंस डिस्टेंस बताना है और इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में ठीक है तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे पहले तो हम डिस्टेंस बिटवीन लिखेंगे C टू D इज इक्वल टू कितना है 85,000 मीटर डिस्टेंस बिटवीन D टू E इज़ इक्वल टू 7,850 मीटर अब डिस्टेंस बिटवीन C टू E निकालेंगे तो कितना होगा 85,000 प्लस सेवन एट फाइव ज़ीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 92,850 मीटर ठीक है यानि कि यहाँ पर लिखेंगे नाइन टू एट फाइव जीरो मीटर टू किलोमीटर किलोमीटर में चेंज करना है तो नाइन टू एट फाइव जीरो और नीचे वन थाउजेंड लिखेंगे ठीक है यानी कि इसे अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइन्टी टू पॉइंट एटी फाइव किलोमीटर ठीक है इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ठीक है अब सेकेंड नंबर है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी टी ए टू सिटी टी डी एंड बिटवीन सिटी बी टू सिटी ई विच रूट इज शॉर्टर अब इसका बताना है कि कौन सा रूट शॉर्टर है अब इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच बताना है ठीक है तो इसका होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी इज इक्वल टू फोटी फाइव थाउजेंड मीटर प्लस नाइन्टी मीटर प्लस एटी फाइव मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन थ्री जीरो ज़ीरो नाइन ज़ीरो मीटर ठीक है और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं वन थ्री जीरो पॉइंट जीरो नाइन किलोमीटर ठीक है अब डिस्टेंस बिटवीन बी टू इक्वल टू नाइनटी मीटर प्लस एटी फाइव थाउजेंड मीटर प्लस सेवन एट फाइव ज़ीरो मीटर ठीक है तो इसका होगा आपका नाइन टू नाइन फोर ज़ीरो मीटर नाइन्टी टू पॉइंट नाइन फोर किलो द सेकेंड वन इज शॉर्टर ठीक है ये आपका शॉर्टर है उसके बाद है थर्ड नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी सी टू सी टी एन एम एम इसे आपको एम mm एम में निकालना है ठीक है तो इसमें देखिए क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इज़ इक्वल टू फोर फाइव फो फोटी फाइव थाउजेंड मीटर प्लस नाइन्टी मीटर फोटी फाइव थाउजेंड नाइन्टी मीटर अब फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन्टी मीटर टू मै एम एम ठीक है इसे एम एम में करना है तो फोर फाइव ज़ीरो नाइन ज़ीरो मल्टी वन थाउजेंड तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फ़ोर फाइव जीरो नाइन ज़ीरो 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 एम एम ठीक है एम एम में निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे ठीक है इसी तरह से आपको बनाना है अब देखिए फिर से क्वेश्चन है थर्ड नंबर में ए पॉपुलर फूड चैन सोल्ड Uh, 12,034 kg of sweets on the occasion of Diwali in the year 2013 to 14. In the year 2015 to 16, it sold 14,320 kg of sweets. In which year was the selling higher and by how much? तो इसका आंसर होगा आप इस तरह से बनाएंगे स्वीट्स सोल्ड इन ईयर 2013 थाउजेंड थर्टीन टू फोरटीन ट्वेल्व थाउजेंड थर्टी फोर के जी स्वीट्स सोल्ड इन ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन इज इक्वल टू फोरटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के जी डिफरेंस बिटवीन सेल इन ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन एंड टू थाउजेंड थर्टीन टू फोरटीन इज इक्वल टू 14,320 थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी माइनस करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड थर्टी फोर ठीक है तो माइनस करने के बाद आपका इतना निकलता है यानी कि टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स ठीक है तो देयर इज मोर सेल्स इन ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन बाय टू थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है उसके बाद है फोर नंबर

तो देखिए फोर नंबर का आंसर होगा टोटल वेट ऑफ़ 284 हंड्रेड एट्टी फ़ोर बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड एट्टी फ़ोर मल्टी ट्वेल्व के जी यानि थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एट के जी टोटल वेट ऑफ़ 185 बॉक्सेस ऑफ नमकींस इज इक्वल टू 185 मल्टी 10 के जी यानि वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी के जी टोटल वेट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 3408 थाउजेंड प्लस वन यानी कि दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे यानी 5258 केजी ठीक है तो टोटल तो वेट ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज 5258 केजी ठीक है उसके बाद है फाइव नंबर एक केक सॉप एक, एक केक सॉप ऑनर बाउट थर्टी बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स वेटिंग फाइव हंड्रेड ग्राम जी एम एच ईफ वन हंड्रेड ग्राम चॉकलेट्स वॉज यूज इन मेकिंग ऑफ अ केक देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ केक्स मेड ठीक है तो ये इस तरह से बनाना है तो देखिए इसमें क्या है इसका आंसर जो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले लिखेंगे इस तरह से नंबर ऑफ बॉक्सेज इज इक्वल टू थर्टी वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ग्राम वेट ऑफ थर्टी बॉक्सेस इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड मल्टी थर्टी यानी कि फिफ्टीन थाउजेंड ग्राम अमाउंट ऑफ चॉकलेट यूज इन वन केक इज इक्वल टू हंड्रेड ग्राम नंबर ऑफ केक्स मेड इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड और नीचे हम लिखेंगे हंड्रेड ठीक है इसे इस तरह से कटाएंगे तो वन हंड्रेड फिफ्टी केक्स कितना बना टोटल so, 150 केक्स वेयर मेड ठीक है इसी तरह से बनाना है उसके बाद है आपका सिक्स नंबर ए पर्सन हैड टेन लैक विथ हिम ही परचेज अ कलर टीवी फोर सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी ए मोटरसाइकिल फोर फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी एंड अ फ्लैट फोर एट लैख सेवेंटी थाउजेंड हाउ मच मनी वॉज़ लेफ्ट विद हिम अब उसके पास कितना मनी बच गया ये सारा चीज़ उसने खरीदा तो कितना बच गया उसके पास ये निकालना है तो देखिए पहले हम कैसे लिखेंगे कि मनी विद अ पर्सन टेन लैख कॉस्ट ऑफ कलर टी वी कास्ट ऑफ कलर टी वी सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी कॉस्ट ऑफ फ्लैट एट लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है अब देखिए टोटल स्पेंड एट लैख सेवेंटी थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी तो टोटल को हम ऐड कर लेंगे ठीक है तो नाइन लैख थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी ठीक है तो इतना होगा अब यहाँ पर लिखेंगे कि मनी लेफ्ट विद हेम टेन लैख इसमें माइनस कर देंगे हम कि इतना का उसने ही सामान खरीदा ठीक है नाइन लैख थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी यानी कि कितना बच गया उसके पास सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी ठीक है इतना बच गया उसके बाद है सेवन नंबर इफ़ अ कार कवर्स वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू किलोमीटर इन वन आवर देन फाइंड द डिस्टेंस विल इट कवर इन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स आर ठीक है इसे निकालना है तो देखिए इसमें कैसे बनाना है सेवन नंबर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन वन आर इज इक्वल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन ट्वेंटी सिक्स आर इज इक्वल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू किलोमीटर मल्टी कर देंगे ट्वेंटी सिक्स आर से ठीक है तो uh, कितना हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व किलोमीटर ठीक है इतना कवर करता है उसके बाद है आपका एट नंबर ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस इज़ थ्री किलोमीटर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मीटर एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज़ एट डेज अब एट डेज में निकालना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ठीक है तो देखिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन वेज इज इक्वल टू वन डेज ठीक है तो यहाँ पर थ्री किलोमीटर ठीक है थ्री किलोमीटर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे ठीक है तो थ्री पॉइंट सिक्सटी फाइव किलोमीटर और मल्टी करेंगे टू से यानी कि सेवन पॉइंट थ्री किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन एट डेज़ अब एट डेज में कितना कवर करता है ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे एट डेज़ में तो सेवन पॉइंट थ्री मल्टी कर देंगे इसे एट से एट डेज़ का निकालना है तो फिफ्टी एट पॉइंट फोर किलोमीटर और हम फिफ्टी एट किलोमीटर फोर हंड्रेड मीटर ठीक है इस तरह से लिखेंगे तो इसी तरह से आपको बनाना है तो आपका वर्कबुक वर्कशीट कंप्लीट हो चुका है ये थर्ड नंबर वर्कशीट थ्री तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो